एग्जिट पोल की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा मैंडेट लेके सामने आ रही है, और जितने भी एजेंसीज द्वारा एग्जिट पोल का रिजल्ट आ रहा है उसके अंदर ये सामने देखने को मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए 300 का आंकड़ा क्रॉस कर देगी, और एक बार फिर से भारत का मूड है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से लाएं। हालांकि कांग्रेस पार्टी द्वारा मोदी चौकीदार चोर है या फिर मोदी लाई की बात की गई, लेकिन देश का मूड तो कुछ और ही है। देश तो चाहता है एक बार फिर से मोदी सरकार, जो एग्जिट पोल में देखने को मिला है। कुछ ही घंटे रह चुके हैं, अभी लगभग 1 बज रहा है, और ठीक कल के 1 बजे तक पिक्चर क्लियर हो चुकी होगी कि किसको कितनी सीटें मिले। लेकिन अगर आप जम्मू के भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस त्रिकुटा नगर की तरफ अगर आज आपको आने का मौका मिले तो आप यहां देखेंगे कि यहां पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लाइटें लगनी शुरू हो चुकी हैं, और शाम को ये ऑफिस जगमगा जाएगा। इससे शायद ये साफ नज़र आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से देश के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं इस टाइम शक्ति परिहार जी, फॉर्मर मंत्री भी रह चुके हैं, डोडा से MLA भी रह चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे। शक्ति जी, क्या लगता है कितनी सीटें सेंटर के अंदर भारतीय जनता पार्टी और NDA लेके आई? आपने देखा जो एग्जिट पोल जो अभी आया है सारे चैनल्स द्वारा, मुझे ये लगता है कि जितने भी चैनल्स हैं सब ने 300 प्लस, कई एकाध को छोड़ के बाकी सब ने 300 प्लस जो दिखाया है NDA को, और NDA की सरकार बनती हुई दिखाई है। मेरा भी अपना ये अनुभव है जो हमने जो फील्ड में देखा है, लोगों के बीच में जाके जो देखा है, मुझे ये लगता है कि कहीं इससे भी ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी NDA को मिलने जा रही हैं। उसका एक कारण जो हमने जो देखा लोगों के बीच में जो इस बार था कि एक मोदी फैक्टर जो था कि लोगों में ये था कि हमने मोदी जी को दोबारा देश का प्रधानमंत्री बनाना है, उसको लेके लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा उत्साह लोगों के बीच में था। उसमें अगर अपोजिशन के भी लोग अगर कुछ थे, शायद उनने अगर अपना वोट अगर कोई किसी लीडर ने अगर कांग्रेस को किया होगा तो उनके घर वालों ने, उनके बच्चों ने ज़रूर मोदी को वोट किया होगा। ये एक अंडरकरंट जो लोगों के बीच में थी वहाँ पे एक जो देखने को मिला, उससे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी NDA की मेजॉरिटी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। पहले चौकीदार चोर है, और अब जिस तरह से सभी घटक दल और अपोजिशन एक साथ हो गए हैं, अब उनके मुताबिक EVM भी चोर है। पहले जब चौकीदार चोर है के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से एक फटकार लगी, और क्या आप जो EVM चोर की बात की जा रही है कि EVMs में भी घोटाला किया जा रहा है, क्या हार बर्दाश्त नहीं हो रही है? इस जो ये इलेक्शन जो पार्लियामेंट इलेक्शन इस बार का हुआ, इस बार अपोजिशन ने कोई कसर कोई बड़े निचले सतर तक जो कंपेनिंग उनकी जो रही, चाहे जो चौकीदार चोर की बात कहें, गाली गलौज तक उन्होंने प्रधानमंत्री जी को दी इस बार की जो कंपेनिंग जो रही, और एक कोशिश उनके द्वारा जो हुई कि मोदी किसी तरीके से हटे, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा था, लोगों के द्वारा नहीं था। लोगों का ये कहना ये था कि फिर एक बार मोदी सरकार, मोदी है तो मुमकिन है, ये लोगों के बीच में से ये जो स्लोगन्स जो आए, और ये पूरे लोगों के बीच में उनकी एक ये मंशा थी कि हम मोदी जी को एक बार फिर से जो प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे। उसका मूल कारण ये था कि इस बार का जो चुनाव ये डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को लेके तो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं देश को आगे लेने की जो बात थी, जो उन्होंने पिछले 5 वर्षों में जो कार्य किए, जो योजनाएं जो देश के अंदर जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को लेके अगर आप देखें, या सुरक्षा को लेके अगर आप देखें, जो उन्होंने जो काम किए वो लोगों के दिलों में घर कर चुका था कि, और उन्होंने ये माइंड बना रखा था कि हमने देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना है, और पूरी प्रयास पूरी कोशिश की अपोजिशन ने इकट्ठा होकर। आप ये सोचिए कि अखिलेश और मायावती को इकट्ठा होना, यहाँ हमारी उधमपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में कांग्रेस NC PDP का इकट्ठा होना, कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन थी कि इकट्ठा अलग अलग होके हम भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, इकट्ठा होके अगर कुछ बने हमारा, लेकिन इकट्ठा होने के बावजूद भी वो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सके। और हमारी जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मैं आज आपको बताऊंगा, कल रिजल्ट आना होगा, पिछली बार हमने 60,000 के मार्जिन से ये सीट जीती थी, इस बार 1,00,000 से ऊपर का मार्जिन इस उधमपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी का होगा। कल रिजल्ट सामने आएंगे, हम बड़े विश्वास से ये कहेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर हम 3 से ज़्यादा सीटें लेने वाले हैं, 3+ मैं ये अपना मानता हूँ, मेरा अपना एक आप ये माने कि मेरा एग्जिट पोल ये होगा कि हम जम्मू की, उधमपुर की और लद्दाख की 3 सीटें हम कंफर्म जीतने जा रहे हैं, और
अनंतनाग में भी हम कहीं ना कहीं फाइट में हैं, वहाँ पे भी अगर आप सर्वे के हिसाब से भी देखें तो ओवरऑल अगर पूरा कंट्री का, अगर पूरे देश का हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए एक मेजॉरिटी की सरकार बनाने जा रही है। देश के अंदर जिस तरह से एनडीए और बीजेपी एक बड़ा मैंडेट लेकर सामने आ रही है, तो मैंने हम देख रहे हैं टेलीविज़न पे ना मिठाई की दुकानों पे लड्डू बनाए जा रहे हैं, तो क्या जेएनके में भी लड्डू की तैयारी कर रहे हैं बीजेपी वाले? कुछ लड्डू शड्डू बना अपनी अपनी जगह पे कार्यकर्ता सारे लगे हुए हैं, व्यस्त हैं, वो लड्डू कल लोगों को खिलाए जाएंगे, कार्यकर्ता बड़े एक्साइटेड हैं। आज हमने यहाँ से अभी कठुआ जाना है, वहाँ पे जो पोलिंग, जो जितने भी हमारे काउंटिंग एजेंट्स हैं वहाँ, उनकी मीटिंग वहाँ पे होगी और कल सुबह वहाँ काउंटिंग शुरू हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काफ़ी एक्साइटेड है, उन्होंने जो मेहनत की, जो फील्ड में जाके जो मतलब जिस तरीके की जो कंपेनिंग का जो 1.5-2 महीने में उन्होंने काम किया, न केवल जम्मू कश्मीर के अंदर बल्कि यहाँ के लोग बाद में पंजाब में हिमाचल में जाके भी वहाँ भारतीय जनता पार्टी का काम किया। और मैं आपके माध्यम से लोगों को, अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मुबारकबाद दूंगा, बधाई दूंगा कि उन्होंने काफ़ी मेहनत जो इस इलेक्शन में की और उसका परिणाम कल हमारे सामने आने वाला है। आप लोग लड्डू बांटने की तैयारी कर रहे हैं और कुछ नेता यहाँ के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर टीवी स्क्रीन अपनी बंद करके बैठे हुए हैं, वो कब तक टीवी बंद रखेंगे? एग्जिट पोल आने के बाद ही उनका जो ट्वीट आया था कि जो कि सारे जितने भी चैनल्स हैं ये गलत नहीं होते हैं, गलत नहीं हो सकते हैं, तो ये टाइम है इस वक्त मोबाइल आप अपना स्विच ऑफ करें, टीवी स्विच ऑफ करें, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, जो उनसे जो डाइजेस्ट नहीं होता है। और जम्मू कश्मीर के अंदर हमने जो देखा कि यहाँ जो अपोजिशन की जो पार्टियाँ यहाँ पर है, इन्होंने पूरी कोशिश की, उनका ये प्रयास रहा कि इकट्ठा होकर हम किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ रोके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संगठन ने जो यह काम जो यहाँ के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर किया है और पूरे देश के अंदर जो मोदी जी कि जो एक फैक्टर था, मैंने मुझे ये फील्ड में ये दिखा कि बच्चा बच्चा ये कह रहा था कि मोदी जी को हमने दोबारा से प्रधानमंत्री बनाना है, उसके लिए कार्यकर्ताओं ने भी काम किया और जो हमारे नेतागण थे उन्होंने भी फील्ड में काम करके, कल जो प्रणाम आएंगे आपसे शेयर किए जाएंगे, आपको सारी जानकारी है, हमसे ज़्यादा जानकारी आप रखते हैं कि किस पार्टी का क्या कुछ इस वक्त चल रहा है, लेकिन हमें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल आखिरी सवाल शक्ति जी, आपका जो खिता है मतलब डोडा भदरवा इस इलाके के साथ आप ताल्लुक़ रखते हैं, बड़े अच्छे तरीके से इसको जानते हैं, इस पूरे इलाके को, यहाँ की टोपोग्राफी को जानते हैं, गुलाम नबी आज़ाद भी इसी इलाके के मतलब चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं और एक बड़े मंझे हुए नेता कांग्रेस पार्टी के, जिन्होंने पूरी तरह से कांग्रेस के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कुछ सीटें जीते, लेकिन फिर भी जम्मू और अगर जम्मू पुंछ और अगर डोडा उधमपुर की सीट बीजेपी जीत पाती है तो क्या गुलाम नबी आज़ाद का जादू भी नहीं चल पाया इन दोनों सीटों पर? हमारी जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, पिछली बार गुलाम नबी आज़ाद साहब खुद वहाँ पर लड़े थे और 60,000 के मार्जिन से वो हार गए थे वो सीट, उस वक़्त वो सीटिंग कैबिनेट मिनिस्टर यूनियन में उस वक्त थे, हेल्थ के वहाँ पे थे और जम्मू कश्मीर में उनकी यहाँ पे सरकार थी, उसके बावजूद भी वो हारे। इस बार उन्होंने जो पहले ही एसेस की थी सिचुएशन ग्राउंड पे, जो देखा था कि भाई क्या कुछ माहौल है वहाँ, तो उन्होंने खुद नहीं लड़ा, कोई और कैंडिडेट इन्होंने यहाँ पे उतारा, लेकिन कंपेन उन्होंने जो की वहाँ पे, जो की पूरे जितना कुछ उनसे हो सकता था, चाहे वो डोडा हो, राममन हो, किश्तवाड़, भदरवा, उस पूरी बेल्ट में, जो चुनाव बेल्ट जिसे हम कहते हैं एसवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट में, उन्होंने चॉपर से गांव-गांव जाके कंपेन की कि किसी तरीके से हमारा कैंडिडेट यहां पे जीते। और जो पोलराइजेशन की बात अगर आप ये कहें कि पोलराइजेशन अगर उस बेल्ट में उन्होंने ही करवाने की कोशिश की, एक प्रयास उनके द्वारा रहा वहां पे, और लोगों को झूठ के वादे कि हम आपको 72,000 रुपया साल का देंगे, कोई एजुकेशन फ्री में देंगे, मेडिकल फैसिलिटी सारी फ्री में देंगे, लेकिन लोग भी ये समझते थे कि कांग्रेस की सरकार कभी बननी नहीं, तो इन्होंने कभी ये देना नहीं। जहाँ जहाँ भी बाकी स्टेटों में जो उन्होंने बात की थी, चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या एमपी में, जो उन्होंने कहा कि हम किसानों का कर्ज़ा 10 दिन में माफ़ करेंगे, वो कुछ ऐसा नहीं हुआ। लोग ये समझते हैं और लोगों को ये लगता था कि भाजपा की सरकार आने वाली है, और पिछले 5 वर्षों में जो काम, जो लोगों के काम जो किए थे, चाहे वो वहाँ पर उज्ज्वला योजना कहते हैं, जो लोगों को बेनिफिट हुआ, जो बेनिफिशरीज जो थे, या शौचालय जो घर घर गांव गांव में दिए गए वहाँ पे, या जो बैंक अकाउंट खोले, बहुत सारी योजनाएं, या आयुष्मान भारत की जो स्कीम जो जिसमें फ्री इलाज आप 5 लाख तक वो करवा सकते हैं, इस तरीके की योजना और बाकी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जो वहाँ पे हुई, उससे लोगों में एक विश्वास
वहाँ के लोगों को था कि हमने दोबारा से इस सरकार को बनाना है। और मैं ये कहूँगा कि गुलाम नबी आज़ाद साहब कल का रिजल्ट जो देखेंगे कि उनके ही चुनाव बेल्ट से पिछली बार जो भारतीय जनता पार्टी ने वोट लिया था उससे काफ़ी ज़्यादा वोट इस बार भारतीय जनता पार्टी ले रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जेके मीडिया के साथ बात करने के लिए। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे शक्ति परिहार जी, और इन्होंने साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 3 सीटें बीजेपी लेके जा रही है और कुछ ही देर बची है, कल अब तक पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आखिरकार देश का मिजाज क्या है। हालांकि अभी तक पिक्चर क्लियर हो चुकी है, बस ऑफिशियल अनाउंसमेंट आनी बाकी है, कुछ देर का इंतज़ार करें। देखते रहें जेके मीडिया, आशीष कोहली जेके मीडिया के लिए।